व्हाट्सअप गाइस, मैं कल दिल्ली से आया हूँ जयपुर, क्योंकि मेरे को जाना होता खाटू श्याम मंदिर, और खाटू श्याम मंदिर जाना अचानक से कैंसिल हो जाता क्योंकि हम जा रहे हैं मनाली, और एकदम से आते हैं 8:30 की, और सुबह 6 बजे छोड़ देगी वो हमें चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से एक बस पकड़नी पड़ेगी जो हमें छोड़ेगी मनाली, और पूरा ट्रिप दिखाऊंगा मैं आपको कैसे जाना होगा वहाँ पर। तो और अभी बज रहे हैं 3:30, और हमें जल्दी पैक करना पड़ेगा सामान, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा सामान भी लेकर नहीं आए हैं, और खाना वाना भी बनाना पड़ेगा। और मैं आपको जयपुर का रूम दिखाता हूँ किस तरीके से हमारा रूम है, कुछ इस तरीके से हमारा जयपुर का रूम है। और एक मिनट, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, और इसके अंदर गिटार है, कुछ इस तरीके से शीशा सजा हुआ है, और ये पूरा रूम है हमारा। और खाने के लिए दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, यहाँ रखिए चॉकलेट। मनाली जाने के लिए पैकिंग होने लगी है, यहाँ पे पैकिंग हो रही है, और यहाँ अंडा खा रहे हैं सब। और ये हमसे लाए हैं बाहर कपड़े, गर्म कपड़े लाए हैं बाहर से पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए गर्म कपड़े पहनना भी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो आप, साइज़ देखकर पहनना पड़ेगा इन कपड़ों को। और बाहर देख सकते हो दीपावली पे लाइट लगी हुई थी, तो वो ही अभी लाइट जल चुकी है। और खाने में कुछ बन रहा है, पता नहीं अभी कुछ बन रहा है खाने के लिए, और अभी जाना भी है, और 7 बज चुके हैं, और अभी हमें नहाना। तो गाइस रेडी हो चुके हैं नहा धोकर, और अभी भैया दोज भी बनाना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आज भाई दोज है, और जल्दी निकलना भी होगा, सामान पैक हो चुका है, और अभी सब रेडी हो रहे हैं, और हमें जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि बज रहे हैं 7:30 और 8:30 की ट्रेन है, और ओला करी है वो आने वाली है 5 मिनट में, तो जल्दी से निकलना होगा। स्टेशन पे आ चुके हो, और मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पाया है, क्योंकि कुछ सूट नहीं कर पाया, और उस तरफ जाना हमें, और अभी हम इस तरफ हैं, गाइस काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, और अभी हमें उस तरफ भी जाना, इस तरफ थे हम कुछ टाइम पहले, तो जल्दी जल्दी जाना होगा, आप टाइम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गए हैं, तो जल्दी जाना होगा हमें। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ चंडीगढ़ में, और सुबह मैं ट्रेन से उतरा हूँ अभी अभी, और हमने एक रूम लिया रेस्ट करने के लिए सिर्फ 1/2 घंटे के लिए, फिर हम चेकआउट कर लेंगे फ्रेश होने के लिए, खाएंगे पियेंगे चाय पीकर हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। और अभी हमें, और इधर ले रखा हमने रूम, कुछ इस तरीके से रूम है हमारा। अभी हम जहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं उधर से लेकर हिमाचल कम से कम 250 किलोमीटर दूर है, और हम निकल जाएंगे जल्दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से बाहर से रूम दिखता है, आप देख सकते हो, और हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। गाइस चेकआउट कर चुके हैं, और हम जा रहे हैं अब मनाली की तरफ, और हम जा रहे हैं बस से, और टाइम हो रहा है अभी 10:30, और हम शाम को 5:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। और गाइस अभी वेट कर रहे हैं शाम का, चंडीगढ़ का कुछ बस स्टैंड कुछ इस तरीके से दिखता है, और हमारी बस आने वाली है 12 बजे, कुछ टाइम बाकी है। और बस स्टैंड तो पहुंच चुके हैं, और अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि बस से जाना है कि कार से जाना, और अगर बस मिल गई तो बस से चले आएंगे, और बस आएगी 12 बजे करीब, और कार से भी। तो गाइस फाइनली कंफर्म हो चुका है, और हम जा रहे हैं कार में, वरना पहले हम बस में जा रहे थे, 12:30 बजे की बस थी, पर हमने बस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, और कार हमने 2 बुक की है, क्योंकि एक कार में सिर्फ 4 लोग अलाउड हैं, और हम लोग हैं 8, इसलिए हमने 2 कार की है, और चंडीगढ़ में सिर्फ यही रूल है, तो हमने 2 कार की है। और चंडीगढ़ से कम 250 किलोमीटर दूर है, और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको 2 कार करनी पड़ गई है। तो गाइस अभी हम गाड़ी रोक के पी रहे हैं यहाँ पे चाय, रोड पर गाड़ी रोक रखी है हमने, और बस हम पहुंचने वाले हैं मनाली कुछ टाइम में बस। तो भाई मनाली पहुंच गए, और
में रेस्ट कर रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, और ये है हमारी कार, और रेस्ट करते ही हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ, और हम अब मिलता हूँ मैं आपसे होटल पहुँचने के बाद। गाइस मनाली पहुँच चुका हूँ और रूम में मैं आ चुका हूँ। हमने कुछ इस तरीके से रूम ले रखा और आप देख सकते हो रूम इस तरीके से है। क्या कर रहा है? ये है और ये है और ये बाथरूम है। तो गाइस फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं और जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये है मान रोड मनाली का, कुछ इस तरीके से दिखता है पूरा ये मान रोड है। और अभी हम आए नाइट डिनर करने के लिए, कुछ खाएंगे पिएंगे, और हमारा रूम इस गली के अंदर है। और अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पे कुछ खरीदने के लिए, टोपो वगैरह खरीद लिया कुछ, और इधर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ये तो भाई मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ इतना पता नहीं था, और आप हाथ देख सकते हो कितने रेड हो रहे हैं। गाइस मार्केट धीरे धीरे बंद हो रही है और यहाँ पे आप कुछ ही खेलने के लिए ले सकते हो, बच्चों की चीज़ मिलती हैं यहाँ से एक कुछ भी चीज़ ले सकते हो आप। ये क्या ये बॉल है, पानी है इसके अंदर, ये वो है जिससे हम बचपन में खेला करते थे। अभी रुके होटल में कुछ खाने के लिए, कुछ इस तरीके से होटल है जिधर हम डिनर करने के लिए आए। खाना आ चुका, नान चावल अचार दाल पनीर की सब्जी मिक्स वेज। तो गाइस घर पर आ चुका हूँ और टाइम हो रहा 12:25, और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय।